It's time to launch. 3, 2, 1. Hey, BMW. I'm feeling cold. I will increase the temperature. It will be more comfortable shortly. फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कारमल। और आज संडे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेरी फेवरेट ब्रांड की कार, विच इज एज ऑल ऑफ यू नो बाय नाउ इज अ BMW, एंड वो है BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। हे गाइस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @theautoexpert विद अ एक्स, नॉट टू मिस ऑन एनी एक्साइटिंग अपडेट्स फ्रॉम अस। सो दिस इज अ ग्रैंड कूपे, एंड वाई वी कॉल इट बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइलिंग। बहुत ही स्पोर्टी कार है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। द परफेक्ट साइज फॉर अ सिटी एंड अ परफेक्ट ड्राइव फॉर अ हाईवे। सो इफ यू आर अ स्मॉल फैमिली, अ पैक ऑफ टू और अ पैक ऑफ फोर, दिस कार विल सर्टनली सूट योर नीड्स। इट्स एट द राइट प्राइस। प्राइस और इंजन और हर चीज़ की बात बाद में करेंगे, बिकॉज कार की स्टाइलिंग इतनी सुंदर है। देखते हैं पहले कार को, फिर लेके सीधे चलेंगे आपको ड्राइव पे और बात करेंगे कार की प्राइस और उसके इंजन के। कार के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कार की चाबी, एंड दिस इज़ द अनलॉक, दिस इज़ द लॉक, दैट्स फॉर द बूट, एंड दिस इज़ फॉर द लाइट्स टू इल्यूमिनेट द लाइट। यहाँ पे एम स्पोर्ट्स की स्टाइलिंग का डिज़ाइन है, एंड दिस इज़ एम स्पोर्ट्स वेरिएंट। दो वेरिएंट्स आते हैं, वेरिएंट्स की डिटेल भी हम ड्राइव करते करते आपको बताएंगे, बट अभी आप सामने लुक देखो। इतना अच्छा किलर लुक है इस कार का कि देख के ओहो हो मज़ा ही आ जाता है। मतलब जितना देखो उतना मन करता है देखते रहो, और मैं एक्चुअल में देख के बहुत खुश हो रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस कार को देख के। इस पर बहुत अच्छे कलर्स आते हैं। एक आता है मिसानो ब्लू, वो मेरा बहुत फेवरेट कलर है। बहुत ही स्पोर्टी लगती है कार उस कलर में। तो हम टॉपिक से हट गए, अब हम चलते हैं वापस व्लॉग में, क्योंकि मैं खो गया था कार में। एंड दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द कार। आप देखो कितना अच्छा मस्कुलर और स्पोर्टी फ्रंट है। जस्ट चेक आउट दीज लाइंस, द शोल्डर लाइंस ऑन द बोनट, ऑल दीज मसल इन द कार, सो मैनी कर्व्स एंड क्रीजेज। इतने अच्छे से, इतनी तसल्ली से तराशा गया है इस गाड़ी को कि इतनी सुंदर लगती है ये। और सामने सिग्नेचर BMW की ग्रिल दी हुई है, द क्रोम किडनी ग्रिल। और अभी ये एक सिंगल पीस में आ रही है, जैसे पहले टू पीसेस में आती थी। लेटेस्ट मॉडल्स में सारे इट्स कमिंग इन वन पीस। और नीचे जो बम्पर है ये भी एम स्पोर्ट किट का पार्ट है, बिकॉज दिस इज़ द एम स्पोर्ट वेरिएंट। सो इट्स अ वेरी स्पोर्टी लुकिंग बम्पर। यहाँ नीचे फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं, और ये पूरे एयर इनटेक के लिए ग्रिल्स दिए हुए हैं। दैट्स द लोअर लिप ऑफ द बम्पर, इट्स इन डिफरेंट पार्ट्स एज यू कैन सी। और यहाँ पे कार का हेडलैम्प दिया हुआ है, सो इट्स अ LED विद DRL, अ डे टाइम रनिंग लाइट, दे कॉल इट द BMW LED। साइड अप अलॉय व्हील की बात करूँ, अगेन दिस इज अ वेरी स्मार्ट मल्टी स्पोक अलॉय व्हील, एंड इसमें भी यहाँ पे आपको एम स्पोर्ट की बैजिंग आती है, बिकॉज दिस इज द एम स्पोर्ट वेरिएंट विच वी आर ड्राइविंग। दिस इज अ 17-inch अलॉय व्हील विद अ टायर साइज ऑफ 225/45R17। यहाँ पे आपके पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं फ्रंट बम्पर में। दैट्स द पार्किंग सेंसर, ये मैं दिखाना आपको भूल गया, 1, 2, 3 and 4, दैट्स द टोइंग हुक। और वापस हम आते हैं साइड में, यहाँ पे भी एम की बैजिंग दी हुई है। दैट इज द ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे नीचे कैमरा नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ 360 degree कैमरा, इट्स जस्ट अ रिवर्स कैमरा। डोर हैंडल्स में, लेट्स सी, इजी एंट्री एग्जिट, नो इट्स नॉट अ इजी एंट्री एग्जिट, सो द कम्फर्ट की एक्सेस इज इट्स नॉट देयर। और हम आते कार के पीछे, पीछे भी बहुत सुंदर रैप अराउंड LED टेल लैम्प्स दिए हुए हैं, विच आर इन टू डिफरेंट पीसेस, एंड बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस से देखोगे तो कार बहुत सुंदर है। इट कम्स विद ड्यूअल एग्जॉस्ट, नीचे एग्जॉस्ट दिए हुए हैं, असली हैं या फेक, दोज आर रियल एग्जॉस्ट। यस, दैट्स द रियल एग्जॉस्ट फॉर यू, दोज आर नॉट फेक एग्जॉस्ट। सो द कार कम विद ट्विन एग्जॉस्ट, दैट्स द रिवर्स कैमरा, दैट्स द सिग्नेचर BMW लोगो, एंड द बैजिंग इज 220i। तो ये खोलते हैं कार का बूट,
जो बूट स्पेस है कार का वो 440 लीटर का बूट है, 440 वोल्ट का करंट भी है कार में क्योंकि देख के कुछ हो जाता है। सो बूट स्पेस भी 440 लीटर्स का है जो काफ़ी अच्छा है कार के साइज़ को देखते हुए। और यहाँ पे नीचे इसके स्पेयर व्हील दिया हुआ है विच इज़ नॉट अलॉय व्हील, ऑफकोर्स इट इज़ एमरजेंसी स्पेयर व्हील। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसिस दिए हुए हैं, काफ़ी डीप बूट है कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कार। और बूट को बंद करते हैं, आपको साइड प्रोफाइल दिखाते हैं कार का। ओवरऑल वाई वी कॉल इट ग्रैंड कूपे, आप इसका पूरा शोल्डर देखो, सो दैट इज़ द कर्व एंड आर्च ऑफ द कार। अगर आप देखोगे इतनी सुंदर दूर से, अगर एक डिस्टेंस से हम कार दिखा सके आपको, सो द कार लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो कितना स्पोर्टी लुक है कार का, एंड हाइट कम है, मैं आराम से खड़ा हूँ, कार से लंबा टॉल लग रहा हूँ बिकॉज कार की हाइट नीचे से रखी गई है ताकि उसका स्पोर्टीनेस का फील रहे, जिस वजह से आपने पीछे अंदर देखा जो हेड स्पेस है थोड़ा कम हो गया और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अगर वो नहीं होता तो आपको इतना सेक्सी लुक इस कार में नहीं आता। एंड ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, पैनारोमिक सनरूफ दी हुई है। तो लुक्स के बारे में अब और बात नहीं करते, अब चलते फटाफट से कार के अंदर और कार को ड्राइव करते हैं बिकॉज मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कार चलाने का। और लेट्स गो इनसाइड द कार एंड चेक आउट व्हाट द इंजन अंडर दिस हुड हैज गॉट। That is the BMW 2 Series Grand Coupe which we are driving right now. इसमें दो वेरियंट्स आते हैं, हम आ चुके हैं कार के अंदर। आपको पहले हम दिखाया था कार का एक्सटीरियर, सो नाउ वी आर ऑन द ड्राइविंग सीट एंड वी आर ड्राइविंग दिस ग्रेट मशीन द BMW 2 Series Grand Coupe। तो ये जो 2 Series Grand Coupe है जो हम चला रहे हैं पेट्रोल, इसका इंजन है 2000cc 2 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर, 4 इन लाइन, एंड इट जनरेट्स अ पावर ऑफ 190 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 280 न्यूटन मीटर्स। और जो डीजल इंजन है वो पावर उसका सेम है 190 bhp, पर जो टॉर्क है वो 400 bhp का टॉर्क है। तो आप देख सकते हो हम शहर की सड़कों पे कार को ड्राइव कर रहे हैं एंड द ड्राइव इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्मूथ। जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत आराम से मैनूवर हो रही है कार, कार इज़ वेरी मच इन कंट्रोल इन साइड द सिटी। एज़ वी ऑल नो दैट BMW इज़ अ ड्राइवर्स कार एंड इट्स नोन फॉर इट्स ड्राइविंग। और इसका जो 0 to 100 है वो भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी पेपी। सो लेट्स press down the accelerator and cross the 6000 rpm and we have crossed 100, so this car does a 0 to 100 in just 7.1 seconds. तो बहुत ही फास्ट कार है, बहुत ही क्विक है क्योंकि छोटी है, साइज छोटा है, इंजन में पावर है 190 bhp, सो इट इज़ अ गुड पावर, 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और साथ में पेडल शिफ्ट्स भी दिए हुए हैं, सो इफ यू आर एंथुजियास्ट यू कैन यूज द पेडल शिफ्ट्स। तो चलाने में बहुत ही ऑसम और बहुत ही अमेजिंग, जैसे सारी BMW होती है तो वैसी है। और कार की ड्राइव के साथ साथ हम आगे का अगर कॉकपिट देखें कार का तो ये भी बहुत सुंदर है, इज एम स्पोर्ट स्टेयरिंग, यहाँ पे एम की बैचिंग दी हुई है बिकॉज दिस इज एम स्पोर्ट्स वर्जन विच वी आर ड्राइविंग एंड इट कम्स विद अ लाइव कॉकपिट जिसको कि हम वर्चुअल कॉकपिट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ये स्क्रीन है और ये होम बटन है, जो अगर आप नीचे वाला वेरिएंट लेते हो स्पोर्ट्स वेरिएंट वहाँ पे स्क्रीन का साइज़ 2 inches छोटा हो जाता है। एंड बहुत अच्छा एक इसमें इनले जो है उसमें एक ख़ास बात क्या है कि ये इल्यूमिनेटेड इनलेज हैं, ये पॉलीमर यूज़ किया हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या है कि इन इनलेस को आप इल्यूमिनेट कर सकते हो, दिस वर्क्स एज एमिनेंट लाइटिंग फॉर यू। तो आप कार के अंदर गए, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में आप इंटीरियर लाइटिंग में आ गए, इंटीरियर लाइटिंग का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस, लाइलैक, ग्रीन, ब्लू, वाइट जो मुझे दिख रहा है, सो आई सेलेक्ट ऑरेंज ओवर हेयर। एंड उसकी ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, सो ये आपको ऐसे पूरा भी धूप आ रही है सो शायद नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ डोर ट्रिम्स में भी ये सेम पॉलीमर यूज़ किया है। सो दोनों डोर ट्रिम्स और सामने डैशबोर्ड, इवन द पैसेंजर डोर ट्रिम, आपको सब जगह ये इल्यूमिनेटेड दिखेगा एंड इन द नाइट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत अच्छा एम्बियंट कलर का इफेक्ट आता है इन साइड द कॉकपिट ऑफ द कार। दिस इज़ ऑल टच स्क्रीन और अगेन दिस इज एम स्पोर्ट्स, सो दिस कम्स विद अ जेस्चर कंट्रोल। मैं इसमें कार का अभी मैंने रेडियो ऑन नहीं किया हुआ, लेट मी स्विच ऑन द रेडियो फॉर यू। सो नाउ वी हैव सिलेक्टेड द 92.7 फ्रीक्वेंसी एंड इफ आई वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम आई कैन इंक्रीज एंड देन म्यूट इट विद टू फिंगर्स। सो
जैसे कि आपने हमारे पिछले X3 के ब्लॉग में देखा होगा, अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो उससे मैं उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप क्लिक करके BMW X3 का ब्लॉग देख सकते हो। सो दिस कार इज एम स्पोर्ट एंड कम्स विद द जेस्चर कंट्रोल्स, और वो जेस्चर कंट्रोल्स आप इस कार में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पॉलीमर सॉफ्ट यूज़ किया है, मैं इसको प्रेस कर सकता हूँ, टर्न कर सकता हूँ, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, सॉफ्ट पॉलीमर, और यहाँ पे सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया हुआ है। सो फिट एंड फिनिश इज़ टोटली BMW, और BMW इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एज यू नो। और स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग इज़ लेदर रैप्ड, मैंने आपको पहले बताया था, ये एम स्पोर्ट्स की बैजिंग दी हुई है, इट्स लॉट ऑफ क्रोम ओवर हेयर, दे आर पेडल शिफ्ट, ये आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सो द कार इज़ फैंटाबुलस आई वुड से, एंड सेफ्टी फीचर्स सारे BMW में आते हैं, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स बिकॉज इट इज़ नोन फॉर इट्स सेफ्टी। अब हम बात करते हैं ड्राइव के बारे में, नीचे आप देखेंगे ये पूरा जो है कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, दैट इज़ द गियर बॉक्स, दिस कम्स विद द लेटेस्ट iDrive 7, the ID7, and this is a 7-speed gearbox which BMW has given in this 2 series. और ये आपका iDrive कंट्रोल के लिए यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं, योर मीडिया, होम, मैप, नेविगेशन, ऑल द बटन्स आर देयर, एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपट्रॉनिक, यू फ्लिक इट ऑन द लेफ्ट एंड यू कैन यूज इट एज अ ट्रिपट्रॉनिक। स्पोर्ट्स मोड, कम्फर्ट मोड, इको स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इंजन स्टार्ट स्टॉप, और आपका जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी दिया हुआ है, अगर आप रेड लाइट पे पैर रखेंगे, ब्रेक करेंगे तो कार अपने आप ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। पार्किंग सेंसर, स्विच ऑफ स्विच ऑन, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और यहाँ पे आपके FM के सारे बैंड्स के कंट्रोल के लिए स्विचेस दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, मूड, बैंड, एयरकॉन बटन, ये बटन थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट वाइल प्रेसिंग इट, एंड द AC वेंट्स विद अ टच ऑफ क्रोम ऑन द साइड्स, ये आपके इट्स अ ड्यूअल जोन AC, दोनों साइड के टेम्परेचर आ रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेल पैकेज्ड कार। जो प्राइसिंग है इस कार का, अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात करोगे सो दैट कम्स फॉर 39.90 लाख एक्स शोरूम, और अगर आप डीजल वेरिएंट में जाते हैं सो दैट इज़ फॉर 41.90 लाख एक्स शोरूम, और अगर आप एम स्पोर्ट्स पे जाते हैं जो हम चला रहे हैं द टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम, दैट इज़ फॉर 42.9 लाख एक्स शोरूम। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया हुआ है विद लाइट, इसको बंद कर देते हैं, इधर पैसेंजर साइड भी दिया हुआ है विद लाइट, एंड दिस इज़ अ पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग सनरूफ, एंड इट एड्स टू द एम्बियंस एंड रूमीनेस ऑफ द कार, और बहुत ही अच्छा आजकल ये एस्थेटिक फीचर है जो ऑलमोस्ट हर हाई एंड कार में आता है। सो दिस कार ऑल्सो कम्स विद रिवर्स पार्किंग कैमरा, पार्क असिस्ट भी मिलता है, पार्क असिस्ट में कार अपने आप स्पेस फाइंड करेगी और ऑटो पार्क करती है, एंड देर इज़ अ वेरी गुड फीचर कॉल्ड रिवर्सिंग असिस्टेंट ऑल्सो। जैसे मैंने रिवर्सिंग असिस्टेंट करा, स्टेयरिंग अपने आप मूव हुआ, एंड ये हम नैरो लेन में हैं, कार को हम बिना स्टेयरिंग को टच करें अपने आप बैक कर सकते हैं, ये अपने आप स्टेयरिंग जो है कार का मूव हो रहा है, एंड कार स्पेस देख के अपने आप पैरेलल रिवर्स हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर इन नैरो लेन्स, ये आपकी पार्किंग गाइडलाइंस के लिए दिया हुआ है, दैट्स अ ऑब्स्टिकल मार्क, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप अपनी सारी हेल्प की पार्क असिस्ट और एक्टिव PDCA इमरजेंसी इंटरवेंशन, ऑटोमेटिक PDCA एक्टिवेशन, सारे कंट्रोल्स, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल टच स्क्रीन, अ वेरी गुड टच स्क्रीन, एंड द कार कम्स विद द नेविगेशन, दिस इज़ द नेविगेशन ऑफ द कार, अगेन बैक टू द होम बटन, दीज आर द कार सेटिंग्स, यहाँ से आप अपने सारे ड्राइवर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, व्हीकल का स्टेटस चेक कर सकते हैं, सो दैट्स द व्हीकल स्टेटस, इंजन ऑयल लेवल चेक, कंट्रोल मैसेजेस, सर्विस रिक्वायरमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपकी कार की सर्विस कब ड्यू है, कब नहीं है, सो एवरीथिंग कैन बी चेक्ड ओवर हेयर, एंड दीज आर योर सेटिंग्स, की बटन असाइनमेंट, क्लाइमेट कम्फर्ट, इंटरनल लाइटिंग, डोर व्हीकल एक्सेस, डिस्प्ले, ड्राइवर असिस्टेंट, एक्सटीरियर लाइटिंग, ड्राइविंग मोड्स, जनरल सेटिंग्स। सो दैट इज़ द डिटेल्ड मेन्यू ऑफ this BMW 2 series, everything that you can think of can be done through this iDrive 7 and the whole settings of the BMW 2 series Grand Coupe. Yahan center pe ek armrest diya hua hai which is leather wrapped, uske niche storage space hai, that's the C type charging point for you, ek USB charger yahan pe bhi diya hua hai in case you have the old USB port, aur yahan pe 12 volt charger socket diya hua hai, those are the cup holders and smart storage bits over here, the door come with bottle holder pockets, side pockets, and there is a decent size of glove box,
over here, very deep, and there is no climate control inside, so it's not air cooled. So ये थी 2 series Grand Coupe के features and उसकी drive feel. So अब चलते हैं कार के पीछे, because this car is quite small, a little cramped. तो देखते हैं कितनी cramped है. मैं I'm 5 feet 9 inches, seat मेरे हिसाब से adjusted है. So let's go at the back seat and check out the rear seating comfort. So before we go to the back seat, हम front seat की बात करते हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा thigh support दिया हुआ है, which is manual. यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो. Same for the passenger and driver. ये बहुत अच्छी body hugging seats दी हुई हैं. These things literally hug you from both the sides. और अगर आपको लगता है कि जैसे मैं बैठा तो मेरे waist से एकदम टाइट हो रहा था, सो आई कैन एडजस्ट. ये दो बटन्स दिए हुए हैं. यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये मूव हो रहा है. आई कैन रिलीज द प्रेशर एंड टाइटन इट अराउंड माई वेस्ट, सो यू विल लिटरली फील समबडी इज हगिंग यू. बहुत अच्छा फील आता है बैठ के. एंड दीज आर द मेमोरी सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स. ये बैक, ये बॉटम, एंड डेड पेडल, ब्रेक, एक्सीलरेटर, एंड दैट इज फॉर द बोनेट of the car. This is the M Sport badging, because we are driving the M Sport variant, and that's the beauty of this car. So thanks for the back seat and check out the back seat. So we are here at 2 series Grand Coupe ke back seat pe, aur ye khola maine सेंटर आर्मरेस्ट. द सिटिंग इज ओके, नॉट वेरी कंफर्टेबल. जो थाई सपोर्ट है वो कम है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता था. एंड बिकॉज ऑफ द कूपे स्टाइलिंग, आप अगर बाहर से कार आपको हमने दिखाई, बाहर से बहुत ही अच्छा कूपे स्टाइलिंग है कार का. सो जो रूफ है वो स्लांटिंग है. सो आई एम 5 feet 9 inches, देर इज हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट एट द टॉप. तो अगर आप 5'11" या 6 feet हो तो आपका सर टच हो सकता है ऊपर, बिकॉज इट्स अ स्लांटिंग रूफ बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइनिंग स्टाइल ऑफ द कार. और यहाँ पे सीट्स को आप देखेंगे स्कूप किया हुआ है थोड़ा सा, ताकि लेग रूम, बिकॉज स्पेस कम है कार के अंदर, तो लेग रूम ज़्यादा फील हो. देर इज़ अ ओके अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम, नॉट मच ऑफ अ स्पेस आई वुड से. ये यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट दिया हुआ है, आर्मरेस्ट के साथ यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं. सो सिंस दिस इज़ अ 3 seater, बट द सेंटर सीट आई वुड से इज़ यूजलेस, बिकॉज द कार इज़ क्रैम्प्ड एंड देर इज़ अ बिग हम्प ओवर हेयर. सो सेंटर पैसेंजर कम्फर्टेबली नहीं बैठ सकता, बट दे आर 3 seat belts, 1, 2 एंड द थर्ड वन ऑन माई साइड. द आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स आर हेयर, द हेड रेस्ट, ऑल द 3 हेड रेस्ट फॉर द 3 passengers आर हेयर. दैट्स द ए सी वेंट के कंट्रोल, और 2 C-type के चार्जिंग पॉइंट्स. यहाँ पे भी डोर पे पॉकेट्स दिए हुए हैं, द बॉटल होल्डर एंड टू things to keep your smart bits. ये magazine holder यहाँ पर दिया हुआ है, you can keep something over here. So basic amenities सारी हैं. So the sliding curtain is missing, it's not there in this car. ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर lights दी हुई हैं on the roof, and ये यहाँ पर एक hanger के लिए आपका hook दिया हुआ है. You can put a hanger over here on both the sides. So that was the back seat of the car. कार को ड्राइव करके तब मज़ा आया. और कार की स्टाइलिंग की हम बात करें, ग्रैंड कूपे है और इसमें जो है फ्रेमलेस डोर्स हैं. आप देख सकते हो, दीज आर द फ्रेमलेस डोर्स, देयर इज़ नो फ्रेम ऑल अराउंड द डोर. तो अभी चलता हूँ गाड़ी के अंदर. और ये जो 2 series है BMW की, ये फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, अनलाइक द अदर मॉडल्स ऑफ BMW. तो देखते हैं कि इसमें व्हील स्पिन होता है कि नहीं. वी ड्राइविंग पेट्रोल एम स्पोर्ट्स एज यू नो, विद 190 BHP ऑफ पावर and 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. सो लेट्स सी कि इसमें व्हील स्पिन होता है कि नहीं. 0 to 100 करने में बहुत मज़ा आया, इट इज़ जस्ट 7.1 seconds. सो वी ऑन टू द ड्राइविंग मोड एंड द स्पोर्ट्स मोड, द ट्रैक्शन इज ऑफ. सो इट्स टाइम टू लॉन्च. 3, 2, 1. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का ये BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे का ब्लॉग अच्छा लगा होगा. और आप कौन सी कार्स देखना चाहते हो हमें नीचे कमेंट करके बताओ. और अगर कोई
स्पेशल कार है आपके मन में हम लेके आए इस चैनल पे, सो प्लीज डू लेट अस नो। अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं कराया तो मुझे फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theautoexpertwithaxwithoutae, नीचे लिख के आ रहा है, अभी जाइए और फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आपको हर संडे नोटिफिकेशन आते रहे। हम कोई ना कोई एक्साइटिंग कार, कोई ना कोई अच्छी कार, हर संडे कोई नई कार आपके लिए लेके आते रहेंगे। ट्यूजडेज फॉर लाइफस्टाइल व्लॉग्स, थर्सडेज फॉर यूज्ड कार्स, एंड संडे मैं स्पेशली आपके लिए आऊँगा हर संडे कोई ना कोई नई अच्छी कार लेके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो और बने रहे हमारे चैनल पर। मिलेंगे अगले संडे सेम टाइम किसी नई कार के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग।